सीधी जिले के पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। डाल 100 की मदद से ढोया जा रहा है खाद। खाद के ढोने का मामला सामने आया है। सीधी जिले के जो सीधी शहर में लगी एक पुलिस वैन जो कि एक डाल 100 वाहन है जो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आपको बता दें कि उससे एक ड्राइवर के द्वारा खाद ढोने का मामला सामने आया है जहां पर वह निजी कार्य के लिए खाद ढोता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शासकीय सेवा में लगे डायल 100 जो लोगों की मदद के लिए होती है वह कभी भी किसी का भी फोन आ सकता है अगर झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में खाद ढोने का एक मामला सामने आया है जिसके आज वायरल होते ही सोशल मीडिया में सीधी जिले की पुलिस में हड़कंप समझ गया है। आपको बता दें कि सीधी जिले में हड़कंप समझ गया है जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति खाद ढोने के लिए डायल 100 का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीधी SP के द्वारा निगाह बनी हुई है और यह जाँच की जा रही है कि यह कौन सा व्यक्ति है और यह है निजी कार्य के लिए क्यों इसको ढोने के लिए ले जा रहा है। आपको बता दें किसी जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर पुलिस विभाग के द्वारा यहां पर खाद ढोने का मामला सामने आया है। मामला सामने होते ही अब लोगों में हड़कंप समझ गया है। ये देखते हैं पूरा मामला। चलती है तो उसके जो ड्राइवर है जो कि प्राइवेट ड्राइवर होता है उसके द्वारा जो है ड्यूटी हावर्स में जो है अपने स्वयं की जो है खाद की एक बोरी ले जाते हुए पाया गया था। तत्संबंध जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित ड्राइवर को जो है ड्यूटी से हटा दिया गया है। और भी जो 100 डायल के जो पुलिस कर्मचारीगण हैं और जो प्राइवेट जो ड्राइवर रखे जाते हैं और उनके जो नोडल अधिकारी हैं और जो उनको उन सबको मीटिंग लेकर के उनको समझाया गया है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें आप सम्मिलित न रहें नहीं तो अन्यथा क्या होगा दंडात्मक कार्रवाई।